नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मार्क्सवादी पार्टी के मशहूर नेता सीताराम येचुरी की। सीताराम येचुरी मार्क्सवादी पार्टी की दूसरी पंक्ति के उन नेताओं में से हैं जो टीवी चैनल पर ज्यादा पार्टी के कार्यक्रमों में कम दिखाई पड़ते हैं। आजकल वो अपने दल और सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीच में बिचौलियों का काम भी कर रहे हैं। इस बंधन को वो कैसे कब तक निभा पाएंगे, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं सीताराम येचुरी से ही सीधी बात। सीताराम जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। मेरे कार्यक्रम का नाम है सीधी बात। बिल्कुल, आपसे सीधी बात करेंगे ना? आप भी बिल्कुल सीधी जवाब भी मिलेगी आपको। अच्छा, तो एक सीधी बात ये पूछना चाहता हूँ, आप ये सरकार कब गिराएंगे? हम नहीं गिराएंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार हम चाहते हैं कि चले वो न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर। अगर वो नहीं चलेगी उस पर, तब उसकी अस्थिरता का सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन हमारी समर्थन वापस होने से नहीं। मतलब आप कभी समर्थन विड्रॉ नहीं करेंगे जब तक ये न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करते रहेंगे? और अभी तक कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? शुरुआत तो किया करने की, अब देखेंगे कि कैसे आगे चलेगी गाड़ी। अभी तक जो इस सरकार ने किया उससे आप बहुत संतुष्ट हैं? हम शुरुआत अच्छी हुई, हम ये नहीं कहेंगे कि संतुष्ट होने के लिए, तो हर चीज के लिए हम समझते हैं कि और बेहतर हो सकता है, ये हमारी उसूल रही है। आपको लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो वो ठीक है, शुरुआत अच्छी है? नहीं, कहाँ बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया, बजट में कहा ना, प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को हमने कहा कि हमारी मंजूरी नहीं है। तो आपने वोट किया, बजट पास हुआ? नहीं, बजट भी, लेकिन ये बजट के साथ ही कमेटी में आपने पास कराया? नहीं, ये कोई निर्णय नहीं है, ये निर्णय आज तक नहीं हुई, ये निर्णय तब होगी, तब हम देखेंगे। हमने कहा कि इस तरीके की निर्णय ना ले, ये सिर्फ आज सरकार का घोषणा निर्णय नहीं है। आपकी जो ना डायरेक्टिव मीटिंग लेने जिसका डायरेक्टिव कमेटी के आपके सदस्य बजट स्पीच को पास करते हैं, आपका बजट पास होता है, उसमें कहा कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी 49% उसके ऊपर करेंगे। देखिए बजट के और उसके बाद कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बजट के साथ ये FDI को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब एग्जीक्यूटिव निर्णय है जिसको कैबिनेट को लेना। अब बजट में क्यों रखा? इंश्योरेंस में तो पार्लियामेंट में आना पड़ेगा ना? इंश्योरेंस में पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, नहीं पास होने देंगे। उसीलिए हमने कहा कि ये आज तक ये नीति नहीं बनी सरकार की, और हमारी विरोध है, सरकार जानती है, उसके बारे में चर्चाएं चल रही है और हमारा विरोध है इस पर। सिविल एविएशन में भी आपने कहा था विरोध है, पर उन्होंने कर दिया वो? नहीं, सिविल 49 आपको एक्सेप्ट? नहीं, सिविल एविएशन 49 जी, 40-49 जो हम समझते हैं कि बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल सी बात है, और वो भी वो उन्होंने किया डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस के लिए, पूरी सिविल एविएशन सेक्टर के लिए नहीं, क्योंकि हमारी मंजूरी नहीं थी उसमें। तो आपको लगता है ना कि आप कांग्रेस आपके लिए बैसाखी है, क्रचेस है, क्योंकि जब तक आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते तो आपका प्रभाव बढ़ जाता है, नहीं तो केवल आपसे सीमित है केरला और वेस्ट बंगाल तक। क्यों? वहां पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, यानी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं तो हम मजबूत होते हैं, जैसे बंगाल उन प्रदेशों से बाहर, उन प्रदेशों से बाहर आपको जो सीटें मिलती हैं वो कांग्रेस की मेहरबानी से मिलती हैं? जी नहीं, क्या सीटें आपको महाराष्ट्र में उनकी मेहरबानी से मिलती? बिल्कुल नहीं, वो तमिलनाडु में आपने? एक मिनट, महाराष्ट्र के में देख लो, महाराष्ट्र में ये तीनों सीट जो हमने जीते, इसमें से दो सीट ऐसे हैं जो पिछले 27 सालों में हमारे साथ थी, और कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए हम जीते। इस बार कांग्रेस नहीं लड़ी? नहीं लड़ी, लड़ती तो वही हालत होती, हम ही जीते, हम ही जीतते, तो ये कांग्रेस ने भी समझा। तो इसके अंदर देखिए कि बाकी प्रांतों में एक राजनीतिक हमारी एक सोच है जो हम समझते हैं कि देश और जनता के हित में, जितना लोग मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है, चुनाव में होगा, और वो ये रहा कि इस देश की धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणतंत्र जो भारत है उसको बचाना है, उसके लिए हम चाहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के बीच में वोट का बंटवारा ना हो, जिससे ये खतरा और ना हो। गणतंत्र, जनतंत्र का जो नाम ले रहे हैं इसको कई बार कहते हैं अवसरवादी था, आप कांग्रेस को हराएंगे भी और कांग्रेस की झोली में भी बैठेंगे? ये बिल्कुल अवसरवादिता नहीं है, क्योंकि हम क्या है? ये हमारा उद्देश्य है कि आज इस जनतंत्र की गणतंत्र को बचाए। अब उस उद्देश्य के लिए जहां पर हम मजबूत है, जनता ने कांग्रेस को हरा कर हमें जीता है। जो कांग्रेस आपकी दुश्मन है या दोस्त है? जो कांग्रेस आज आपकी राजनीतिक दुश्मन है या दोस्त है? देखिए, ये आज तो दोस्त है, आज दोस्त केंद्र में, केंद्र में, मतलब आप उनके और बंगाल केरल और त्रिपुरा में नहीं, वहाँ पर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी वो सवाल यहाँ पे सामने कौन खड़ा है? केंद्र में सामने अगर खड़ा है सांप्रदायिक ताकतें, उनको सत्ता से दूर रखना है, तब यहाँ पर सहयोग होगी कांग्रेस के साथ। आपका उद्देश्य नहीं कि केंद्र में कभी सत्ता में आ पाएंगे? आएंगे हम, कैसे आएंगे जब आप केंद्रीय पार्टी के साथ हैं, जिसके साथ आप पिछलग्गू बने हुए हैं? कैसे पिछलग्गू? पिछलग्गू कैसे? आप देखिए, यही पार्टी थी जो 40 साल से ज्यादा अपने आप सरकार चला रही थी देश में,
आप ये सरकार आज नहीं चल सकती बिना वामपंथियों के समर्थन के। तो केंद्र सरकार को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ। मुस्लिम लीग का मिनिस्टर है जी, उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। केंद्र में बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम लीग उसी मुस्लिम लीग के मिनिस्टर के बात को लेकर हमारा पूरा का पूरा विरोध था। हमने कहा उसको, इसलिए देखिए सरकार के समर्थन हम बाहर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार में गए नहीं जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ऐसे चीजों पे हम समझौता नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग का मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर का सदस्य है जिसका समर्थन आपकी वजह से जिंदा है। अब मुस्लिम लीग को आप क्या समझते हैं, वो सब यहाँ पर सेकुलर है और केरला में नहीं? बिल्कुल नहीं, सब जगह पर मुस्लिम लीग जो हम जल के खिले हैं सब जगह पर हम उतनी ही मतलब ठोस रूप से विरोध करेंगे माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की जितना मेजोरिटी कम्युनलिज्म की करते हम करते हैं। आंकड़े ऐसे हैं जब तक वामपंथी दल किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे वो सरकार आसानी से बन नहीं सकती। सही बात। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं हम मुस्लिम लीग के मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार में नहीं बनती। नहीं, सरकार में ना शामिल होने की वजह से हमने कहा सरकार के गठन में हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं होगी, ना उस समय थी ना आज भी है। हम सरकार जो चलाने की बात है हम सिर्फ नीतियों के आधार पर वो न्यूनतम कार्यक्रम जो है उसके आधार पर हमारे समर्थन है। उसका भी विरोध हमने किया। आप देखिए उस समय पर वो प्रधानमंत्री जानते हैं, तब तो प्रधानमंत्री बने नहीं थे लेकिन उस समय तक तब भी हमने कहा कि उनको मत लीजिएगा कैबिनेट में। आपका समर्थन तो शायद सोनिया गांधी के लिए था, मनमोहन सिंह जी के लिए तो नहीं। कोई भी पत्र लिखा था पहले आपने, जब उनकी नेता उन लोगों ने चुना था। हम क्या कहते, हमने लिखा था कि जो कांग्रेस ने किसको नेता चुना था पार्लियामेंट्री पार्टी के, उन्होंने सोनिया गांधी को चुनी थी। तो आप सोनिया गांधी इसको नॉमिनेट कर दे, आप उसी को सपोर्ट करेंगे? हम कह रहे हैं कि उनका लीडर वो चुनेंगे जैसे हमारे लीडर हम चुनेंगे। अब वो तय करें उनका लीडर। तो थोड़ा डेमोक्रेसी है ना, लीडर आप इलेक्ट करते हैं पार्टी का, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। पर वहां तो इलेक्ट हुई थी नेता सोनिया गांधी जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी को बना दिया। वो उनकी परंपरा है तो उसके बारे में हम क्या कहें। और मनमोहन सिंह का मेरे को याद है पार्लियामेंट के अंदर सीपीएम ने दबा के विरोध किया था जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर उसी तरीके की नीतियां आज भी लागू करना चाहेंगे तो विरोध होगी। इसलिए हम व्यक्तियों के और नीतियों के बीच में फर्क करते हैं। हमारे लिए व्यक्ति नहीं है इम्पोर्टेंट, हमारे लिए नीति है। व्यक्तियों के नाम से तो आप आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, आपके नेता सुरजीत साहब तो हर रोज आर्टिकल लिखते हैं व्यक्ति के नाम। नहीं, हर रोज कोई नहीं लिखते, खुद लिखते हैं या कोई और लिखवाता है। और ये व्यक्तियों के नाम हमने सिर्फ आकर्षित किया था कि ऐसे लोग हैं जो पुराने जो रेजिम के अपॉइंटी है उनके बारे में इस सरकार को सोचना। आपका व्यक्तियों से दुश्मनी है या नहीं है? नहीं, आपका टारगेट कौन है इस पर मैं चर्चा करूंगा ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मार्क्सवादी दल के मशहूर नेता सीताराम येचुरी से। आप कह रहे हैं आप व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल। और आपके सुजीत साहब ने आर्टिकल लिखा एक बार कि मैं पढ़ रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक IMF लुक्स लाइक बार्किंग डॉग्स ऑफ इंपीरियलिज्म, और मोंटेक सिंह आलियों का नाम लिखकर उन्होंने कहा कि यू रिप्रेजेंट वन ऑफ देम। देखिए सुनिए, व्यक्तियों के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, व्यक्तिगत हमारा कोई आरोप किसी के साथ नहीं है। जो काम जो व्यक्ति करता है, जो नीति व्यक्ति लागू करता है, उन नीतियों के खिलाफ हम जरूर है। और वो नीतियां अगर वो व्यक्ति लागू करता रहेगा तो हम कहेंगे वो नीतियां लागू कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों को हटाना। मोंटेक सिंह आपकी नीतियां लागू करेंगे? देखिए मोंटेक सिंह को लागू करना है ये न्यूनतम कार्यक्रम की नीतियां, हमारी नहीं। जब उन्होंने वर्ल्ड बैंक जैसे आपने हल्ला मचाया, बिल्कुल अब हमने बिल्कुल सही हल्ला मचाया हम मानते हैं, और हमारा ये मानना है कि सरकार ने भी बात को समझा। अगर मौका मिलता तो शायद प्रधानमंत्री ये काम हटा दिए उनके बेटा ने। हमारे लोग हटाने की मतलब ही नहीं है। आज तक मेरे पैदाइश से पहले ये प्लानिंग कमीशन चल रही थी, आज तक ऐसी कमेटियां कभी नहीं थी। अब ये कमेटियों को बनाया किस लिए गया कि विदेशी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लेजिटिमाइज करने के लिए। पर वर्ल्ड बैंक से आपकी दुश्मनी क्या है? वर्ल्ड बैंक से ही नहीं, दुश्मनी की बात अलग चल रही है। उनकी उनके सही कई सारे राय है जो हम समझते हैं कि दुनिया के बहुत सारे आजाद देशों को बर्बाद करवा दिया। पर आपने वेस्ट बंगाल में क्यों रखा था उनके लोगों को? कहाँ लगा मैकेंजी को लिया आपने? बिल्कुल गलत, गलत, बिल्कुल गलत। सुनिए मेरी बात सुनिए, किसी को भी हमारी जो ऑब्जेक्शन है कि विदेशी संस्थाओं की प्रतिनिधियों को एक ऑफिशियल दर्जा मत दीजिए हमारे देश के अंदर, जो हम समझते हैं कि हमारी आर्थिक संप्रभुता के खिलाफ है। आप उनसे सलाह मशवरा करिए, जरूर करिए जो आपने किया। हाँ, आपने किया। हाँ, हम कह रहे हैं सलाह मशवरा करिए, उनसे बातचीत करना है तो करिए। वो पैसे जो उनकी कंसल्टेशन की बात जो भी आती है वो पैसे वो भी दे रहे हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए। कंसल्टेंसी किराए पर लेने में कोई इतराज नहीं है, सरकार में रखने के लिए इतराज है। सवाल ये है कि लगाम किसके हाथ में रहेगी, उनके हाथ में या हमारे?
सिंपल सी बात, आप फाइन ट्यून कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर हम किराए पे रख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के लोगों को, देखिए लोगों को फॉरेन कंपनी पे रख सकते हैं। कोई ऑफिशियल हैसियत बंगाल के अंदर इन संस्थाओं का नहीं है। बांग्लादेश में क्या प्रोसेस है, अगर यहाँ भी कमेटी में है तो उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना सरकार कमेटी के अंदर उनको गठन करने की क्या जरूरत है? आप उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन में बुला के बात करिए, कंसल्ट करिए उनसे। आपके सोमनाथ चटर्जी सारे वर्ल्ड में घूमे, जब वो चेयरमैन थे उसके फॉरन इन्वेस्टमेंट मांगी उन्होंने जाकर के, और यहाँ आप कहते हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल गलत, ये भी हमने कभी नहीं कहा कि फॉरन इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए। हमने कहा फॉरन इन्वेस्टमेंट जो आना है उसको तीन शर्तों को मानना पड़ेगा। एक शर्त यह है कि जो भी विदेशी पूंजी आएगी हमारे देश के अंदर औद्योगिक उत्पादन की शक्तियां जो है उसको बढ़ाना, ये नहीं कि देश के कारखाने खरीद लें आके, वो देश के लिए कोई फायदा नहीं। दूसरी शर्त यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो देश के अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे। तीसरी यह है कि पहले दो काम करेंगे तो हमारे देश के अंदर नौकरियां भी बढ़ाएंगे। अगर ये तीनों काम करें तो आए विदेशी पूंजी। यूपीए सरकार जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में स्वदेशी जागरण मंच जो काम करता था, अब यूपीए के स्वदेशी जागरण मंच जी बिल्कुल नहीं, हम क्योंकि आप कोई दबाव डालते हैं आज की तरह बिल्कुल नहीं। आज हम समझते हैं कि आज की दुनिया में स्वदेशी विदेशी में काफी अंतर जो है नहीं बचा, दोनों के बराबर नहीं, 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 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विदेशी कंपनियां देश के अंदर रहकर कारखाने खोलकर वो यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। वो तो है, वो तो नीति है, और हमारे लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि जैसे मैं कह रहा था लगाम किसके हाथ में, हम नहीं चाहते कि लगाम हमारे देश के अंदर हमारी लगाम रहेगी। आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में आप बिल्कुल नहीं आने देंगे उनको? भाई बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर हम समझते हैं कि उचित नहीं है। डिफेंस की क्षेत्र है, डिफेंस प्रोडक्शन का क्षेत्र है देश के अंदर हमारे। एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज नहीं होने चाहिए। प्राइवेटाइज क्यों करें? मैं कह रहा हूँ आप बताइए किस देश के अंदर कहाँ पर ये प्राइवेटाइज है। आप सिंगापुर का मिसाल दे रहे थे, लोग सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री जब आए थे उन्हीं से खुद पूछा तो वो कहता नहीं सरकार के कंट्रोल है चांगी एयरपोर्ट पे सिंगापुर में। अब सवाल यह है कि प्राइवेट एंटरप्राइज प्राइवेट पूंजी एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन में लगाइए, जरूर लगाइए, लेकिन कंट्रोल नहीं। पैसा मुफ्त में दे रहे हैं आप लोग, क्यों मुफ्त में दे? वो मुनाफे बनाएंगे जब वो लगाएंगे, वो मुनाफे बनाएंगे। उनका कंट्रोल नहीं होगा चलाने के अंदर तो कैसे करेंगे? क्यों नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर उनका कंट्रोल नहीं है लेकिन मुनाफे बनाते हैं। वही मैं कह रहा हूं, सवाल यह है कि लगाम किसके हाथ में? नहीं, लगाम का सरकार का कंट्रोल आपका अर्थव्यवस्था के ऊपर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है व्हाट इज गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स? गुड इलेक्शन है कि नहीं? वी आर्ग्यू फॉर गुड पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉलिटिक्स सो पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इसमें वही तो बात कर रहा हूँ ना कि जो आप स्वदेशी की जो बात करते हैं या डोमेस्टिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो किसान मजदूर जो आपका नारा था उसके बेसिस पे बात करते हैं, तो दो आप में और आरएसएस में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आरएसएस जो है बात करती थी उनके लिए, और वो एक बैकवर्ड थिंकिंग है उनकी कि स्वदेशी ही वो चाहिए, विदेशी के वो खिलाफ है। लगता नहीं कि आपकी पार्टी और बीजेपी जो भी है उनकी कम्युनिज्म की आपसे जो झगड़ा खड़ा है, पर एक चीज कॉमन लगती है उनमें भी कि आपके यहाँ मॉडर्न थिंकिंग आती नहीं, इसलिए कि लीडर आपके बड़े बूढ़े हैं दोनों पार्टी में। नहीं साहब, हमारे यहाँ ये जो सब कुछ बात में क्या मॉडर्न टेलीविजन में भाषण देने के लिए है, पर पार्टी में क्या फैसला होगा इसका फैसला ज्योति बसु करेंगे या सुरजीत करेंगे? देखिए ज्योति बसु सुरजीत हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका बहुत अनुभव रहा है, कंपेयर मत करिए। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि बाकी सब देखोगे तो हमारा पूरा मिडिल रैंकिंग लीडरशिप, बंगाल के मुख्यमंत्री देखिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री देखिए, हमारे बाकी पॉलिट ब्यूरो के जो सदस्य देखिए, फिर वही समानता बीजेपी और आप में। मुख्यमंत्री हैं दिखाने के लिए, काम करने के लिए ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते। नहीं नहीं ऐसे बीजेपी का पार्लियामेंट के अंदर 9 में से 7 चुनाव कभी नहीं लड़े, आपके पॉलिट ब्यूरो में भी वैसे। देखिए चुनाव ना लड़ना जो है ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, याद रखिएगा। हमारे देश की राजनीति में जो लोग देश की राजनीति को ऐसा मोड़ दिए उसको फिर दोबारा उल्टा नहीं पाए कोई भी, ना कर सकता है, वो ऐसे लोग हैं जो चुनाव कभी नहीं लड़े। जयप्रकाश नारायण सबके साथ, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मतलब ये नहीं है हम कह रहे हैं उनसे उतनी गलती हम नहीं करेंगे। जयप्रकाश नहीं नहीं वो बड़ी गलती नहीं करेंगे, हमें उस भ्रम में नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने डिस्क्वालिफिकेशन के रूप में मत देखिएगा। लेकिन बहुत और दूसरी भी बात है प्रभु जी, और ये मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसके बारे में चर्चा करें। आजकल राजनीति को उतार दिया सिर्फ चुनावी राजनीति, राजनीति का जो एक नोबल उद्देश्य था सामाजिक परिवर्तन, देश का उद्धार, जनता का उद्धार, वो सब भूल के अब सिर्फ एक चुनावी रैट रेस में उतर गया। तो चुनाव लड़ना चाहती थी इनकी फिलोसफी, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं बिल्कुल रखते हैं, माओ से इनकी नहीं बिल्कुल रखते हैं, पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, वो वाली बात नहीं, उसमें तो विश्वास नहीं। अभी अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव लड़ना बिल्कुल जरूरी है, लड़ेंगे भी, लेकिन सिर्फ उसी को राजनीति का मकसद मत बनाइए। मतलब आप चुनाव लड़के अपनी लेजिटिमेसी नहीं प्रूव करना चाहते कि आप
जनता के नुमाइंदे हैं, ना कि बुजुर्गों के नुमाइंदे। जब जरूरत पड़ी तो करेंगे, कई लोगों को लड़वाते हैं, कई लोगों को जितवाते हैं। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ वहीं तक अगर सीमित कर दोगे राजनीति को, सिर्फ चुनाव तक, सीपीएम का उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है? आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव केरला में लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, वहाँ हराएंगे उनको, बिल्कुल हराएंगे। उसके बाद वहाँ हरा दिए तो यहाँ भी गिराएंगे? नहीं, यहाँ पे क्यों गिराएंगे? अच्छा, वो दोनों में ये रहेगा, यहाँ पे गिराने का प्रदेश हमारे देश तुम्हारा देश, उनका कहाँ हुआ, देश हम सबका। अब उनको जो जो उनको जो करना है काम, वो कार्यक्रम को लागू करें जो सबके लिए फायदा। तो आपको लगता है कि उनकी वजह से आप जिंदा है? जी नहीं, हम देखते कि उनकी सरकार जिंदा है हमारी वजह से, क्योंकि जब तक आप विरोधी दल में तब तक एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। अब हम देखेंगे कि आप कितना विकास अपना करते हैं और सरकार को कब तक जिंदा रखते हैं। विरोधी तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।